स्पाइसेस यूरोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी। एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया स्पाइसेस का एक बहुत बड़ा सोर्स थी। इन एशियन कंट्रीज के साथ स्पाइसेस की ट्रेडिंग करने के लिए जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट ने मिलकर द ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की। बाद में और मर्चेंट्स कंपनी से जुड़े और 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को परमिशन दी और कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। उस टाइम डच जो कि हॉलैंड से थे यानी आज के नीदरलैंड से, उनका आज के इंडोनेशिया पर कब्जा था। इसलिए स्पाइसेस की ट्रेडिंग करने के लिए डच ट्रेडर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ट्रेड वॉर्स होने लगे और इन वॉर्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचता था। जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका सोल्यूशन मिला और सोल्यूशन था भारत। साल 1498 में जब पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा इंडिया आए, तब यूरोप से इंडिया आने का सी रूट लाइमलाइट में आया। तब इंडिया एक बहुत वेल्दी कंट्री थी। लग्जरी गुड्स, हाई क्वालिटी फैब्रिक्स, हाई क्वालिटी स्पाइसेस, ज्वेलरी, इनका मानो इंडिया एक खजाना था। और यूरोपियंस के लिए इंडिया सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें एंडलेस पोटेंशियल था। 24 अगस्त 1608, इस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समंदर के रास्ते सूरत के जरिए इंडिया पहुंची। जल्द ही किंग जेम्स फर्स्ट ने अपनी एक टीम मुगल एम्परर जहांगीर के पास भेजी। उस टाइम मुगल्स का 70% साउथ एशिया पर कंट्रोल था, जिसमें आज का भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है। ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई, जिसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया और इंग्लैंड के बीच ट्रेडिंग करने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिले। जल्द ही उन्हें सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खड़ी करने की भी अनुमति मिली। और वहीं दूसरी ओर साउथ इंडिया में भी विजयनगर एम्पायर ने उन्हें मद्रास में फैक्ट्री खड़ी करने की अनुमति दी। बीट एनी बिजनेस, आपको बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पैसों की जरूरत थी और यहाँ पर उनके काम आए दो व्यक्ति, जिनमें से एक थे सेठ मानिक चंद। सेठ मानिकचंद इतने ज्यादा अमीर थे कि उनके सामने आज के इलॉन मस्क और जेब बेजोस की संपत्ति भी कुछ भी नहीं थी। उनके पास 1,000 बिलियन पाउंड्स की संपत्ति थी। कुछ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के अनुसार पूरे इंग्लैंड के बैंक्स के पास जितना पैसा था, उससे भी ज्यादा पैसा सेठ मानिकचंद के पास था। अगर हम सिर्फ उनके लैंड की बात करें तो अनडिवाइडेड बंगाल यानी आज का आसाम, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की आधी लैंड उनके पास थी। ही ओन्ड half of that. Fateh Chand was the scion of the family, and even before the British came here, they were already a lot into businesses. Typical Marwari family. Now, when the East India Company came here, they did have a lot of original British capital, which was partly private and partly of the crown itself. But when they came here, sometimes there were gaps to be filled. Some of the gaps in terms of finance, funding, or let's just broadly say capital, had to be filled in. And those gaps were filled up by people here, by organizations here at that time. And one of them happens to be the Jagat Seth family. Seth Manikchand ke pita Hiranand Sahu, Rajasthan ke Nagaur se the. Wahan se wo Patna gaye aur unhone apna salt peter ka business shuru kiya. Salt peter gunpowder banane mein kaam aata hai. इंडिया का जो सॉल्ट पीटर था उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड में था। इसके पीछे दो वजह थी, पहली उसकी सुपीरियर क्वालिटी और दूसरा यूरोप में चल रहे वॉर टाइम की वजह से उसकी बढ़ी हुई डिमांड। उन्होंने तब के किंगडम्स जैसे कि मुगल्स के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लोन देना शुरू किया। विलियम डेलरिम्पल की बुक दी एनआरकी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेठ मानिकचंद से 20 साल के लिए लगभग हर साल 4 लाख रुपीज बोरो किए थे। A message is received by Robert Clive from a man called the Jagat Seth, the banker of the world, the richest banker in India, who's been made a fortune from taking commissions from the tribute
which the Nawabs of Bengal would send every year to Delhi. सेठ मानिकचंद मुगल्स के लिए रिवेन्यू रिमिटेंसेस कलेक्ट करने का काम करते थे, एक्सचेंज रेट भी वही डिसाइड करते थे, लेंडिंग भी वही करते थे। एक तरह से वो उस टाइम की एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करते थे। अपनी मेहनत और काबिलियत के चलते सेठ मानिकचंद ने बंगाल को हाईएस्ट रिवेन्यू पेइंग रीजन बनाया। इससे खुश होकर मुगल्स ने उन्हें जगत सेठ की पदवी दी, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया के बैंकर। इट वॉज अ फिटिंग ट्रिब्यूट। Jagat Seth is a big part of India's economic history. You know, actually it is a Marwari family, it's Chand family originally. And at that time, the Mughal ruler, Muhammad Shah, he granted them the title of Jagat Seth. And that whole family came to be known as Jagat Seth. Manikchand aur unki agli generation ne agle 50 saalon tak financial market par raaj kiya. लगभग हर बड़े शहर में उनके ऑफिसेज थे, जो कि बिल्कुल आज के बैंक्स की तरह थे। बंगाल के नवाब हो, ब्रिटिशर्स हो या फिर मुगल्स, अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए वो जगत सेठ के इन ऑफिसेज का ही इस्तेमाल करते थे। उस टाइम यानी 17th सेंचुरी में भी जगत सेठ के इन ब्रांचेस के बीच एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम था, बिल्कुल मैसेंजर्स की तरह। जगत सेठ अपने बिजनेस में बहुत माहिर थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी, वो किसी के भी प्रति लॉयल नहीं थे, अपने किंगडम के प्रति भी नहीं। वो उन सबके थे जो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देते थे, और आगे इसी चीज ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। नए भारत को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे भारत के अपने क्रिएटर्स और लर्नर्स। एक प्लेटफॉर्म जो हम सभी को, हमारी कम्युनिटी एक साथ लाने में हेल्प कर रहा है, वो है कॉस्मोफीड। इंडिया में बना हुआ ये प्लेटफॉर्म डिजिटल क्रिएटर्स को कई सारे ऑप्शंस देता है जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सक्लूसिव फ्री चैनल शुरू कर सकते हो, और उस फ्री चैनल में भी आप कुछ कंटेंट पेपर व्यू के बेसिस पर रख सकते हो। साथ ही आप एक फुल्ली पेड कम्युनिटी भी बना सकते हैं और एक स्टेबल इनकम कमा सकते हैं। अगर आप एक ट्रेनर, एजुकेटर या मेंटर हैं, तो आप अपने कोर्सेज भी यहाँ लॉन्च कर सकते हो, और उसके साथ ही रियल टाइम अर्निंग यहाँ पर आपको मिलती है। आपको मंथली या वीकली वेट करने की जरूरत नहीं होती, और इस पे आउट के लिए भी आपको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं होती। कॉस्मोफीड पर हम अपनी खुद की कम्युनिटी लॉन्च कर चुके हैं, और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी एक क्रिएटर या बिल्डर है, तो अपनी कम्युनिटी आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉस्मोफीड क्रिएटर्स के लिए एक मेगा गिव अवे दे रहा है, जिसके लिए आपको कॉस्मोफीड को डाउनलोड करके अपनी एक कम्युनिटी वहाँ पर बनानी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्कूल या कॉलेजेस के फ्रेंड्स की कम्युनिटी बना सकते हो। अगर आप एक हाउस वाइफ है, तो आप सोसाइटी की कम्युनिटी बना सकते हैं। और जो भी क्रिएटर 13th मई तक सबसे बड़ी कम्युनिटी क्रिएट करेगा, उसे पहला प्राइज मिलेगा 1 लाख रुपीज़ का। इसके साथ सेकंड प्राइज है 50,000 रुपीज़ और थर्ड प्राइज है 25,000 रुपीज़। विनर के नाम कॉस्मोफीड के ट्विटर अकाउंट पर 13th मई पब्लिश किए जाएंगे। वो पोर्तुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने लगे, ताकि उन पैसों की मदद से वो आसानी से छोटे मोटे किंगडम्स को हरा सके, और फिर ऐसा करके जगत सेठ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने लगे। उसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन जल्द ही मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टैक्सेस को लेकर अनबन होने लगी, क्योंकि मीर कासिम ने सारे फॉरेन ट्रेडर्स पर 9% की ड्यूटी लगाई, जिसे देने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया। मीर कासिम को यह बर्ताव पसंद नहीं आया, और गुस्से में आकर उन्होंने लोकल ट्रेडर्स पर जो टैक्सेस लगते हैं वो भी हटा दिए। लेकिन ऐसा करने से ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हुई, क्योंकि पहले लोकल ट्रेडर्स को टैक्स पे करना होता था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं पे करना होता था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते दामों में मिलते थे, और कंपटीशन में भी उन्हें एडवांटेज मिलता था। लेकिन यहाँ पर लोकल ट्रेडर्स के टैक्सेस हटाने के बाद मानो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एडवांटेज चला गया, जिसके चलते मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लगातार छोटी मोटी लड़ाइयाँ होने लगी। इसी बीच मीर कासिम का ये आरोप था कि जगत सेठ की फैमिली ने उन्हें धोखा दिया है। जगत सेठ की फैमिली ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइनेंसिंग कर रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन ब्रिटिशर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मीर कासिम ने जगत सेठ की फैमिली के दो मेंबर्स, माधव राय और महाराज स्वरूप चंद की गोली मारकर हत्या कर दी। एंड देन इन 1763 जगत सेठ का भी देहांत हुआ, जिसके बाद उनका एम्पायर कोलैप्स होने लगा। उन्होंने जो लैंड ओन की थी उसका भी कंट्रोल धीरे धीरे उन्होंने खो दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे जो लोन लिया था उनकी डेथ के बाद उन्होंने वो लोन रिटर्न नहीं किया। शायद ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन डिफॉल्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के राइज के पीछे दो व्यक्तियों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, एक थे सेठ मानिकचंद
और दूसरे थे विरजी वोरा, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे ऐसे अपॉर्चुनिस्ट इंडियन बिजनेसमैन की जिन्होंने इंडिया की बिजनेस ग्रोथ स्टोरी की नींव रखी। और हम बात करेंगे कैसे अरब ने पर्शिया पर किए हुए अटैक की वजह से पूरे इंडियन बिजनेस का फ्यूचर हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो फिर मिलेंगे।